अगर हम ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं तो एक चीज ब्लाउज में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, वो है डोरी। हर दूसरे ब्लाउज में डोरी लगता है, कुछ तो गले ऐसे होते हैं जो बिना डोरी के बन ही नहीं सकते। और कई बार क्या होता है, अगर कंधा या शोल्डर हमारा गिरता है तो उसको स्थिर करने के लिए हमें डोरी लगाना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डोरी बनाने के 3 आसान तरीके आप लोगों को बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है अपनी वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से हर चीजों को सिखा सकूं और हर चीजों को बारीक तरीके से आप लोगों को समझा सकूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डोरी बनाना बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए अब हम वीडियो में आते हैं। डोरी बनाने के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। हमें समझना है कि डोरी कौन से साइड से निकालना रहता है। डोरी हमेशा हमको तिरछे कपड़े में, यानी कि उरेब कपड़ा, जैसे हम पाइपिंग बनाने के लिए उरेब कपड़ा यूज करते हैं, वैसे ही हमें डोरी बनाने के लिए भी उरेब कपड़ा लेना पड़ेगा। सीधे कपड़े में डोरी सही तरीके से और जल्दी नहीं पलटती, उरेब कपड़े में ही डोरी पाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से बनती है। तो हमें समझना है कि पहले तिरछा कपड़ा यानी कि उरेब और सीधे कपड़े में फर्क क्या होता है। तो देखिए, ये वाला हिस्सा जो है हमारा, जैसे हम खींच के इसको देख रहे हैं तो ये सीधा है, और ये वाला हिस्सा हमारा उरेब है। देखेंगे, ये हिस्से में हमको डोरी नहीं कटिंग करना है, हमको ऐसे तिरछे में कटिंग करना है। तो देखिए, ये हमारा तिरछा कपड़ा है, तो मैं इस साइड से ही इसकी डोरी बनाऊंगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डोरी बनाने के लिए हमको 1 इंच का कपड़ा लगता है, तो मैं 1 इंच का इसमें डायरेक्ट एक साथ कटिंग कर रहा हूँ। फिर आपको तीनों तरीका अलग अलग बताऊंगा कि कैसे हमको डोरी पलटाना है। तो मैं पहले 1 इंच से इसको कटिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए, मैंने 3 उरेब कपड़े कटिंग करके रखा है। इसमें तीनों में मैं आपको 3 तरीके से डोरी कैसे पलटाते वो आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए ये वाला हिस्सा है, इसको ऐसा फोल्ड कर लेना है, ये ऐसे फोल्ड, और इसको स्टिचिंग हमको फोल्ड करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करके इस साइड उसको बढ़ाना है। और हमको ध्यान रखना है कि एक प्लेजर यानी कि मशीन का जो एक पर होता है उस साइड में ही हमको उतना ही स्टिचिंग करना है। ध्यान रखेंगे, देखिए मैं क्या किया हूँ, ये इसको ऐसा फोल्ड कर लिया है, ये ऐसे, और उसके बाद इसको इस साइड से पहले पेक कर रहा हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इसको इस साइड से ही करीब करीब 1 प्लेजर ही सिलाई कर रहा हूँ, यानी कि 1/4 इंच। ध्यान रखेंगे आप। तो देखिए, मैंने सिर्फ 1 प्लेजर में ही इसको सिलाई लगाया हुआ है। 1 प्लेजर में आपको 1 बराबर सिलाई लगाना है। और देखिए, इस साइड यहां पर से काट लेता हूं। अब देखिए, जो पहला तरीका है उसमें करना है हमको, ये साइकिल में जो यूज होता है स्पोक, ये मैं उसका यूज कर रहा हूं। ये पहले तरीके से आप चाहे तो स्वेटर बनाने का जो सिलाई होता है उससे भी आप इस डोरी को पलटा सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है, हमको यहाँ पर से इसको ऐसे करके, ये देखिए, अब इसको पलटा लेना है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से ही आपको पलटाना है। देखिए मैं यहाँ पर से, ये देखिए, इसको पलटाते ऐसे आप चले जाइए, पूरा हमको पलटी कर लेना है। ये बहुत आसान तरीका है, देखिए इधर से ये बाहर आ गया है। अब इसको पकड़ के स्पोक को निकाल लेना है और इसको आप ऐसे खींचते हुए चलिए। तो देखिए, ये हमारा डोरी पलट गया है। ये पहला तरीका है दोस्तों। अब आप लोगों को बताना है कि इन तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका आप लोगों को अच्छा लगा। तो देखिए, ये मैंने इसको स्पोक से पलटाया है। अगर आपके पास में स्पोक नहीं है तो जो स्वेटर बुनने का जो सिलाई आता है उससे भी आप इसको पलटा सकते हैं, या चाहे तो और भी कोई ऐसी स्ट्रेट चीज तार से भी आप पलटी कर सकते हैं। तो देखिए, ये पहला तरीके से मैंने आप लोगों को डोरी पलटा के बताया है। अब आप सेकंड तरीका देख लीजिए।
उसमें भी क्या करना है दोस्तों, हमको इसको यहाँ पर से ऐसा फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेना है। तीनों तरीके में हमको इसी तरीके से स्टिचिंग कराना है। देखिए ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, पहले आप यहाँ से कट कर लीजिए। इसके लिए दोस्तों हमको सुई और धागे की आवश्यकता पड़ेगी। ये सुई में मैंने एक मोटा धागा फंसा लिया है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर से देखिए इस साइड से इसको यहाँ पर बांध देना है, ये ऐसे। उसके बाद क्या करना है, ये सुई को इसके अंदर से हमको बाहर करना है। ध्यान रखना है कि हमारा जो सुई है ये इसी के अंदर से ही जाए, कहीं पर भी बीच में सुई बाहर ना आए, पूरा सुई का धागा हमको यहाँ से बाहर निकालना है। तो देखिए कैसे निकाल रहा हूँ मैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको सावधानी पूर्वक निकालना है। तो देखिए मैंने इस साइड से इसको बाहर निकाल लिया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको सावधानी पूर्वक निकालना है, चेक कर लेना है कि धागा सुई कहीं बाहर तो नहीं आया है, धागा बिल्कुल इसके अंदर होना चाहिए। तो ये हमने ऐसा निकाल लिया है, इसको आप मशीन में ऐसा बांध सकते हैं ये ऐसे। उसके बाद हमको इसको खींच लेना है, बिल्कुल धागे से ये पलटी हो जाएगा। आपको धीरे धीरे ही इसको पलटी करना है, एक साथ बिल्कुल पलटी ना करें, धीरे धीरे ही इसको आप पलटी करते जाइए। तो देखिए ये दूसरा तरीका है हमारा, यानी कि सुई धागे से मैंने डोरी के अंदर से इसको पलटी किया हुआ है, आपको इसी तरीके से ही इसको पलटी करना है। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया, आप लोगों को बताना है कि कौन सा तरीका आप लोगों को अच्छा लगा। अब देखिए तीसरे तरीके में क्या करना है दोस्तों, इसके लिए मैंने डोरी पाइपिंग जो बनाते हैं मैंने उसकी डोरी रखा हुआ है। क्या करना है हमको, इसको इसके अंदर डाल देना है, ये ऐसे जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं वैसी इसको इसके अंदर डाल दीजिए और यहाँ पर से इसको पहले सिल दीजिए। देखिए और ऐसे सिलना है आपको कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको टाका, मजबूत टाका लगा लेना है। और उसके बाद डोरी इसके अंदर से हमको स्टिचिंग कर लेना है। देखिए डोरी इसके अंदर ही है, मैं डोरी को थोड़ा कट कर लेता हूँ। ये देखिए हमको इसके अंदर ही रखना है डोरी को, ये ऐसे। जितना आपको डोरी पतला चाहिए आप उसके हिसाब से इसको स्टिचिंग कर लीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि डोरी के ऊपर हमारी सिलाई ना चले, डोरी आसानी से बाहर आ जाए। देखिए डोरी इसके अंदर है, अब हमको क्या करना है, इसको यहां पर ऐसे बांध लेते हैं। अब इसको ऐसे धीरे धीरे करके इसको पलटी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये तीन तरीके से मैंने डोरी पलटा के आप लोगों को दिखाया है, आप लोगों को कौन सा तरीका इसमें अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स बताइए। देखिए डोरी आप अपने हिसाब से बारीक और पतली कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीका है डोरी पलटाने का, ये आप इसी तरीके से डोरी पलटा सकते हैं। तो देखिए यह वीडियो देखकर आप लोग डोरी कैसे पलटाते हैं सीख गए होंगे। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।